Hi guys, welcome back to our channel, and today we are going to be doing an unboxing. And what we're going to be showing you today is your storage containers, because हमारे घर में generally जो एक बहुत major problem रहती है वो होती है storage की of ingredients and organizing the ingredients basically. So most of us might be having like modular kitchens and everything in our home which are ergonomically designed ताकि हम उसको properly manage कर सकें. But जो हम storage containers उसमें use करते हैं उनकी वजह से शायद हमें कभी ना कभी inconvenience face करनी पड़े. इसके लिए Meyer has introduced two types of storage containers that are special in their own way and have their own USPs. So we will be going through both these products and I'll be showing you how to use them and how to store your products or ingredients and make sure that they last for a long time. So let's get started. So the first product in question here is this. Now this is from the range of Meyer Kitchen Hacks. Meyer Kitchen Hacks जो range है हमारी वो basically बहुत सारी kitchen की problems को solve करती है and इस range में बहुत सारे और भी products आते हैं. So आज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है ये एक vacuum container. जैसे कि आप देख सकते हैं ये चार different shapes and sizes में आता है. These are the shapes and sizes. इनकी अगर हम कैपेसिटी की बात करेंगे द स्मॉल वन इज अराउंड 500 ml. बोथ दीज टू कंटेनर्स आर 1 liter ईच. दोनों की शेप डिफरेंट है बट कैपेसिटी सेम है. एंड द लास्ट वन हियर द बिग वन हैज गॉट अ कैपेसिटी ऑफ अराउंड 2 liters. सो व्हाट आर वैक्यूम कंटेनर्स एंड हाउ दे आर यूजफुल इन योर डेली रूटीन. First, let's get on to the unboxing. This is the package, what it looks like, and we will be unboxing this particular one here. Simple. Open the box. खोलते ही साथ आपको इसकी use and care information मिलेगी, and इसके सारे USPs and इसके features की एक list मिलेगी. Moving on, आपको product कुछ ऐसे मिलेगा, कुछ packaging material होगा. And this is the container right here. Now, coming to the revolutionary thing that Meyer has introduced with this particular product. As you can see on this particular product, it says India's first vacuum container. Generally, हमारे घर में जो हम storage के लिए use करते हैं, those are airtight containers. This is a vacuum container. Airtight और vacuum में फर्क है थोड़ा. Airtight में क्या होता है? When you lock the box और द कंटेनर, उसके अंदर जो एयर है वो लॉक हो जाती है. ना अंदर की एयर बाहर आती है ना बाहर की एयर अंदर जाती है, बट जो एयर अंदर रह गई है वो वहीं पर ही रहती है. सो दैट एयर स्पॉइल्स योर इंग्रेडिएंट्स. अगर आपने कोई फ्रेश वेजिटेबल्स कट करके रखी हुई है या सैलेड कट करके रखा हुआ है, आपने उसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर किया, बाहर की हवा अंदर नहीं जा रही है बट जो अंदर हवा है वो वहीं के वहीं है, which spoils your food. And that is where this product comes in. Now this is a vacuum container. Vacuum container का मतलब ये है कि हम अंदर की जो air है उसको भी हम बाहर निकाल देंगे, which makes a vacuum inside. Airtight अंदर हो जाता है and अंदर से हम सारी air को बाहर निकाल देंगे, so that अंदर jar के अंदर कोई भी type की air नहीं रहेगी, जिसकी वजह से आपका जो भी ingredient इसके अंदर है उसकी जो lifespan है वो 3 times से ज़्यादा बढ़ जाएगी. फॉर example, अगर आप कोई फ्रेश वेजिटेबल लाइक जिंजर गार्लिक कट करके रखते हैं अपने फ्रिज में इन एडवांस, या फिर वो अनियंस भी हो सकते हैं, जनरली आपको 1 या 2 दिन के अंदर अंदर यूज करने पड़ेंगे. इफ यू स्टोर देम इन दिस पर्टिकुलर कंटेनर, आप उसको अप टू 1 week तक अपने फ्रिज में रख सकते हैं. प्रोसेस बहुत ही सिंपल है. ये एक कंटेनर है जो BPA फ्री प्लास्टिक का बना हुआ है. इट इज़ 100% सेफ, फूड ग्रेड है, FDA अप्रूव्ड है, एंड जो सारा मैकेनिज्म है वो इसकी इस लिड में है. नीचे से आप देख सकते हैं ये इसका वैक्यूम सक्शन पंप है एंड इट्स गॉट अ पंप एक्शन ऑन टॉप ऑफ इट. सिंपली अपना जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स है आप कट करिए, इस कंटेनर में डालिए, अपनी इस लिड को इसके ऊपर आराम से प्लेस करिए. अब आपको इसको पंप करना है. इट विल टेक 3 to 4 times. जैसे जैसे आप पंप करेंगे, जैसे जैसे इसके अंदर से हवा निकलती जाएगी, आपको थोड़ी और स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी.
जैसे ही आपको लगे कि हाँ अब ये नहीं दब रहा है, इसका मतलब है अंदर की सारी हवा जो है वो बाहर आ चुकी है। सो 3 to 4 पंप्स में जनरली हो जाता है। वंस ऑल द एयर इज आउट, सिंपली ट्विस्ट इट। अब ये लॉक हो गया, अंदर की सारी एयर बाहर आ चुकी है, अंदर आपके जो इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत लंबे टाइम तक एकदम फ्रेश रहेंगे बिकॉज इस कंटेनर के अंदर कोई भी हवा नहीं है जो उसको खराब कर सके। नाउ जब आपको उसको यूज करना है एंड ओपन करना है, यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है दैट रिलीजेस द वैक्यूम। सो आपको सिंपली क्या करना है, ऐसा प्रोडक्ट आपके फ्रिज में पड़ा होगा, आपने इस कंटेनर को निकाला, सिंपली इस बटन को दबाया, यू विल हियर अ हिसिंग साउंड जिससे आपको पता चलेगा अंदर हवा चली गई है। आपने हवा अंदर इसका वैक्यूम जो है वो रिलीज कर दिया है, ट्विस्ट करके अनलॉक किया है एंड उसके बाद सिंपली पॉप इट ओपन, दैट इज ऑल। एंड विद दिस सिंपल टेक्नोलॉजी, सिंपल मैकेनिज्म, योर इंग्रेडिएंट्स इन दिस कंटेनर विल लास्ट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। आप इसके अंदर फ्रेश फ्रूट्स रख सकते हैं, वेजिटेबल्स रख सकते हैं, हर्ब्स एंड स्पाइसेस रख सकते हैं, आप इसके अंदर प्री कुक्ड मील्स रख सकते हैं कि अगर आपको एज अ टिफिन लेकर जाना है या एज अ सैलड आपको लेकर जाना है, आप सिंपली इसके अंदर अपना सैलड बना के आप इसको सील करके, वैक्यूम सील करके आप इसको एग्जैक्टली ऐसे अपने ऑफिस भी ले जा सकते हैं। एंड जब तक इसके अंदर वैक्यूम बना हुआ है, ये इसका जो लिड है वो नहीं खुलेगा। ये लिड तभी खुलेगा जब आपका वैक्यूम रिलीज हो जाएगा एंड फिर उसके बाद वन हाथ से भी खुल जाएगा। दैट वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, द मायर किचन हैक्स वैक्यूम कंटेनर। नाउ मैनी अ टाइम्स इन द वीडियोज आई गेट अ रिक्वेस्ट दैट प्लीज आप इसकी प्राइस भी बताएं साथ में। सो वेन वी टॉक अबाउट दीज कंटेनर्स, द वैक्यूम कंटेनर्स, जो हमारी प्राइसिंग है, इट स्टार्ट फ्रॉम अराउंड 1875 विच इज फॉर द स्मॉलर वन एंड इट गोज अप टू अबाउट 2675 फॉर द लार्जेस्ट वन। आप इसके अंदर बिस्किट्स एंड कुकीज भी रख कर देखेंगे, सो जनरली जो चीज़ हमारी बाहर पड़ी पड़ी थोड़ी सॉगी हो जाती है, जो क्रिस्पनेस लूज कर देती है, वो भी इसके अंदर परफेक्टली क्रिस्पी रहेंगी, बिस्किट्स, चिप्स, कुकीज एक्सेट्रा। दैट वॉज ऑल अबाउट द मायर किचन हैक्स वैक्यूम कंटेनर। मूविंग ऑन टू द अदर काइंड ऑफ स्टोरेज कंटेनर दैट मायर हैज इंट्रोड्यूस्ड, इट इज कॉल्ड द मायर मैग्निफ आई ग्लास जार, which is basically a play on magnifying glass. You will see it in a minute. So first I'll open this. Again, similar to the vacuum container, simple box. The box opens up with some packing material and you open this. And this is how your product looks like. इस प्रोडक्ट के अंदर इसकी सारी यूज एंड केयर एंड इसकी इंस्ट्रक्शंस है, हाउ टू यूज इट, स्टोर इट एंड क्लीन इट। आई रिमूव दिस बॉक्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कंटेनर, दिस इज मेड फ्रॉम अ शैटर रेजिस्टेंट ग्लास, इट इज हाईली हाईली ड्यूरेबल एंड इट इज एब्सोल्युटली फूड सेफ, FDA अप्रूव्ड अगेन। नाउ इस प्रोडक्ट की जब हम बात करेंगे, विच कम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, these are the different shapes and sizes that it comes in, 3 shapes and sizes hai, and you can choose according to your needs. If you want to talk about the capacity, the small one is about 350 ml, the large medium one is around 800 ml, and the largest one is 1350 ml. So what is so special about these jars? Generally hamare gharon mein, when we have modular kitchens and everything, storage ke liye hamare paas bahut sare drawers hote hain jiske andar हम अपने मसाले, ड्राई इंग्रेडिएंट्स, दाल, चावल एक्सेट्रा स्टोर करके रखते हैं इन बॉक्सेस। अब वो जो ड्रॉअर्स होते हैं वो हो सकता है लोअर लेवल पे हों या फिर आपके आई लेवल से नीचे हों। जब आप एक ड्रॉअर खोलते हैं एंड उनकी एक सॉलिड लिड होती है, आपको बार बार हर एक बॉक्स को खोल के देखना पड़ता है कि उसके अंदर क्या है। या तो आप उसकी लेबलिंग करते हैं या तो फिर आप एक एक बॉक्स को खोल कर देखते हैं, एंड दिस इज वेयर द मायर मैग्नीफाइंग ग्लास जार कम्स इन। सो इसके अगर आप टॉप पे देखें तो एक मैग्नीफाइंग लेंस है। आप कुछ भी इसके अंदर डालेंगे, आप इसके अंदर कोई भी आप स्टोर कर रहे हैं, अपनी दाल, चावल एक्सेट्रा कुछ भी आप स्टोर कर रहे हैं, आप सिंपली ये लिड को स्क्रू ऑन करेंगे एंड फिर आप इजीली देख सकते हैं ऊपर से कि इसके अंदर क्या स्टोर्ड है।
इसके अंदर चावल होंगे तो यू कैन इजिली स्पॉट कि इसके अंदर चावल स्टोर्ड है, इसके अंदर दाल स्टोर्ड है, इसके अंदर नमकीन स्टोर्ड है, इसके अंदर कुछ और स्टोर्ड है. सो अगर आपका ड्रॉअर आपके आई लेवल से नीचे है, आपने बहुत सारे ये जो जार्स हैं इनको एक के साथ एक स्टोर करा हुआ है ऐसे, सो यू कैन ईजिली सी फ्रॉम द टॉप वॉट इज इन साइड एंड यू कैन ईजिली मेक आउट दैट वॉट इन्ग्रीडियंट इज स्टोर्ड इन विच जार. This jar you can use for pastas, dal, chawal, etc. It is just a storage jar, so you can use it any way you want. And it also gives a very refined and modern look to your kitchen when you're storing something and leaving it on the shelves and anything. So it gives a very modern and a very chic look to it also. So that was all about the Maya storage containers, the two different type of storage containers. And like I said, I'll be going over the price for this also. So this particular storage container starts from 775 for the smaller one and it goes up to about 1075 for the larger one. So that was the pricing for this container, the glass jar. I told you about the vacuum containers also. That was all about the storage containers that have been introduced by Meyer. I'll be coming back with more such videos, more unboxings. In the meantime, do like the video, subscribe and share it with your friends who might be interested in it. I'll be back with more such videos. Thanks a lot.